नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारत को यदि अजूबों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत की प्राचीन सभ्यता, धार्मिक पहलू इस बात को प्रमाणित करते हैं। इनसे जुड़े रहस्य देखने सुनने वालों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी कड़ी के तहत आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय कुएं के बारे में बताएंगे जो कुआं गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कुएं की गहराई में कई कुओं की श्रृंखला की मौजूदगी इसके रहस्य को बेहद दिलचस्प बनाती है। इतना ही नहीं, इन कुओं में सम्राट अशोक अपना खजाना छिपाकर रखता था। कहां पर स्थित है यह रहस्यमय कुआं? इस रहस्यमय कुएं को अगम कुआं कहा जाता है। यह कुआं बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इस कुएं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इस कुएं से जुड़े रहस्य इस कुएं को विशिष्ट बनाते हैं। इस कुएं की सबसे खास बात यह है, यह कुआं कभी सूखता नहीं। क्या है इस अगम कुएं की विशेषताएं? पटना में स्थित अगम कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की विशेषता यह है कि कितना भी भयंकर सूखा इस इलाके में पड़े, यह कुआं कभी नहीं सूखता। वहीं इस इलाके में बाढ़ आने पर इसके जल स्तर में कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। गर्मियों में इसका जल स्तर 1 से 1.5 फीट नीचे और बारिश के दिनों में इसका जल स्तर 1 से 1.5 फीट तक ऊपर आता है। इस कुएं की एक और खासियत यह भी है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। पाताल से सीधा संबंध है इस कुएं का। इस अगम कुएं की गहराई नापने के लिए अब तक अनेक प्रयास हुए हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस कुएं की गहराई 105 फीट से भी अधिक है। सबसे अधिक सोचने वाली बात यह है कि अशोक काल में इतने गहरे कुएं की खुदाई क्यों की गई, जबकि उस समय धरती में पानी मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही उपलब्ध था। इतनी अधिक गहराई होने के कारण ही इस कुएं को अगम कुआं कहा जाता है, यानी कि इसका सीधा संबंध पाताल से है। सम्राट अशोक यहां रखता था अपना खजाना। इस कुएं की गहराई में श्रृंखलाबद्ध 9 और इसके बाद अन्य छोटे छोटे कुओं की कतारें हैं। माना जाता है कि इन कुओं के अंत में एक तहखाना भी बना हुआ है। यहाँ सम्राट अशोक का खजाना रहता था। यह कुआं सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था। खजाने को सुरंग के द्वारा यहाँ लाया जाता था। गंगा सागर से जुड़ा है कुआं। अगम कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता है कि यह कुआं सीधा गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित इस कुएं के ऊपर आकर तैरने लगी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में संग्रहित है। अशोक ने अपने विरोधियों की लाशें इसी कुएं में डलवाई। कहा जाता है कि इस कुएं में अशोक ने राजा बनने के लिए अपने सभी 99 विरोधियों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवा दी थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख किया था। इस कुएं का धार्मिक महत्व। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर इसके बाद माता शीतला की पूजा की जाती है। पहले लोग इस कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाते थे। मौजूदा समय में इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों तरफ लोहे की जालियाँ लगा दी गई हैं। इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। ब्रिटिश खोजकर्ता ने खोजा था कुआं। इस कुएं की खोज 1902 से 3 के दरमियान एक ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने की थी। वाडेल ने उल्लेख किया कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। ऐसा बताया जाता है कि जब अगम कुएं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वाडेल पहुंचे तो उन्हें वहां कई मूर्तियां भी मिली थी। सो दोस्तों, यह थी अगम कुएं से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।